Hello students, welcome to class 12. Today's question is, find the image of point having position vector I plus 3j plus 4k. This is a position vector. हमें इस position vector का जो है हमें image find करना है और the plane calculation आपके पास यहाँ पर दिया गया है. तो हम थोड़ा सा यहाँ पर दोनों questions को देखते हैं, समझते हैं. तो ये हम देखते हैं कि इस plane को हम क्या लिख सकते हैं. इस plane को Cartesian form में लिख सकते हैं हम 2x plus minus का y माइनस जेड प्लस का 3 इज इक्वल टू 0. दिस इज द प्लेन कैलकुलेशन. और यहां पर हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट है 1 है, 3 है और 4. अब आपको थोड़ा सा समझना ये है कि अगर हमारे पास कोई प्लेन है, वी हैव अ प्लेन, ये ऐसा प्लेन है और यहां से इस प्लेन को हमें जो है ध्यान देना है, ये पॉइंट 1 कॉमा 3 कॉमा 4 है और ये हमारे पास पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R और ये जो प्लेन का इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर दिया है. अब ध्यान देने वाली बात है कि हमें इस पॉइंट का इमेज, मान लीजिए कि ये X है, Y है, Z हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहला काम हमें देखना होगा कि PQ लाइन है. तो PQ लाइन का हमें जो है कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन PQ इज इक्वल टू. तो PQ का हमें जो है इक्वेशन निकालना है. कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो पहले तो ये जो हो जाएगा हमारे पास x माइनस का x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस का z1 अपॉन c. तो हियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास x1 y1 z1 तो क्लियर हो गया, ये हो गया x माइनस का यहाँ पे 1 और y माइनस का 3 और यहाँ पर z माइनस का 4. अब क्योंकि ये प्लेन का है तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हम यहां से ले सकते हैं. तो ये हम जो है वाई में 2 कर ले, यहां माइनस 1 कर ले, फिर इसके वाई में 1 कर ले. तो हम इसके लाइन के इक्वेशन से हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करते हैं. तो सो एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, वाई इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास जो है माइनस का लैम्डा प्लस 3 और z is equal to यहाँ पर lambda plus का 4. ये जो x y point है, तो यहाँ लिखेंगे this point is on the plane. ये point हमारा कहाँ पर होगा, plane पर होगा. तो अब इस x y z की value को इस equation number 1 में हम put करेंगे. तो यहाँ लिखेंगे substituting the value of x, y and z in equation number 1. हम plane के equation में put करते हैं. तो ये हमारे पास हो गया 2 bracket में 2 lambda plus 1 उसके बाद minus का here lambda plus 3 और उसके बाद z है हमारे पास plus का lambda plus 4 and हमारे पास value है plus 3 is equal to 0. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. यहां पर सॉल्व कैसे करेंगे, 2 2 जा 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0. ये 3 से 3 तो हमारा कट गया. अब बात करते हैं यहां पर कि हमने देखा यहां पर कि ये जो लैम्डा दिया गया है 4 लैम्डा, ये कितना हो गया 5 लैम्डा, 5 लैम्डा हो गया. और यहां एक यहां पर ये लैम्डा भी है, 2 लैम्डा हमारे पास है, 4 तो 6 लैम्डा, सॉरी टू से दिस इज अ 6 लैम्डा और 2 और प्लस 4 प्लस का 6 इक्वल टू 0. हमने यहां पर इसको सॉल्व किया, लैम्डा इज इक्वल टू हो गया माइनस का 1. अब लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई तो सो पॉइंट q इज इक्वल टू, q में हमारे पास x हो गया 2 माइनस का 1 प्लस का 1 is equal to. तो हम इसको देखते हैं, इनको हम बारी बारी से हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. और सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू हमें क्या मिलती है. तो यहाँ पर देखेंगे माइनस 2 प्लस 1 हो गया यहाँ पे माइनस 1, ऐसे ही वाई की वैल्यू क्या हो गई, वाई की वैल्यू हमारे पास है माइनस लैम्डा प्लस का 3 दैट इज इक्वल टू, तो माइनस 1 प्लस हो गया, ये क्या हो गया 4. और z की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा प्लस 4 यानी माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 3. तो पॉइंट हो गया माइनस 1 4 एंड 3, दिस पॉइंट इज माइनस 1 4 एंड 3. तो यहां पर लिखेंगे q इज मिड पॉइंट ऑफ pr, ये pr का मिड पॉइंट है. तो यहां पर लिख सकते हैं कि हमारे पास माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x बाय में 2
ऐसे ही यहां हमारे पास जो है 4 इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई में 2, और ऐसे ही 3 इज इक्वल टू यहां पर 4 प्लस जेड बाई में 2। हम मिड पॉइंट से इसके लोकस को फाइंड कर लेंगे, तो यहां हमारे पास हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -2 -1 इज इक्वल टू एक्स, यहां हो जाएगा 8 -3 इक्वल टू वाई, और यहां 6 -4 इक्वल टू जेड। तो यहां x की वैल्यू क्या हो गई -3, y की वैल्यू क्या हो गई यहां पे 5, और z की वैल्यू क्या हो गई यहां पे 2। तो ये हमारे पास जो इमेज इज इक्वल टू हो गया -3, 5 and 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो फिर से ध्यान समझिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इस प्लेन पर एक वेक्टर है, पोजीशन पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है, तो इस पोजीशन वेक्टर से इस प्लेन पर जो है हमें इमेज फाइंड करनी है। इमेज का मतलब कि ये इसकी इमेज जितनी डिस्टेंस पर ये होगी उतनी डिस्टेंस पर हमारा नीचे होगा, तो ये क्यू पॉइंट इन दोनों का क्या होगा मिड पॉइंट होगा। हमने जो है प्लेन का इक्वेशन लिख लिया, इसका पोजीशन वेक्टर से पॉइंट निकाल लिया, हम जो है एक वेक्टर यानी पीक्यू लाइन का इक्वेशन फाइंड किया, ये हमने बनाया इसकी पॉइंट, यानी पीक्यू और प्लेन का कॉमन पॉइंट तो क्यू होगा, इसलिए हमने जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया, लैम्डा की वैल्यू हमने पॉइंट की, और इसके बाद हमने इसके जो है मिड पॉइंट फार्मूले से इसे सॉल्व कर दिया, हमारा क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व हो गया। सो स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।